नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचूत्रा। बॉलीवुड एक्टर खिलाड़ी कुमार अक्सर अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक्टर इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिन सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज करते हैं। एक्टर बीते दिनों से फिर से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, लेकिन इस बार चर्चा की वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि एक एड है। दरअसल बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार हाल ही में एक पान मसाला एड में नजर आए हैं, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। लगातार लोगों की आलोचना झेल रहे अभिनेता ने इस मामले पर अब अपनी प्रतिक्रिया दी है। अक्षय ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट शेयर करते हुए एक्टर ने न सिर्फ अपने फैन से माफी मांगी है बल्कि एक बड़ी घोषणा भी की है। अभिनेता ने अब इस विज्ञापन को छोड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वह अब इस पान मसाला ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे। अपने ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं मेरे सभी फैंस और शुभचिंतकों से आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं। बीते कुछ दिनों में सामने आई आपकी प्रतिक्रियाओं ने मुझे काफी प्रभावित किया है। मैंने कभी तंबाकू को एंडोर्स नहीं किया है और ना ही कभी करूंगा। इस ब्रांड के साथ मेरे एसोसिएशन को लेकर सामने आई आपकी भावनाओं की मैं इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं पूरी विनम्रता के साथ इससे पीछे हटता हूँ। आगे अक्षय कुमार लिखते हैं कि मैंने फैसला किया है कि मैं विज्ञापन के लिए मिली फीस को अच्छे कार्य में लगाऊंगा। ब्रांड चाहे तो इस एड को प्रसारित करना जारी रख सकता है जब तक कि इसके कॉन्ट्रैक्ट की लीगल अवधि पूरी नहीं हो जाती, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में पूरी समझदारी के साथ विकल्पों का चयन करूंगा। इसके बदले में मैं हमेशा आपका प्यार और दुआएं मांगता रहूंगा। वहीं गौरतलब है कि बीते दिनों में ही अक्षय कुमार का यह विज्ञापन जारी हुआ था। सामने आए इस एड में अभिनेता शाहरुख खान और अजय देवगन अक्षय कुमार का इस विज्ञापन में स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। पहली बार यह है कि जब बॉलीवुड के तीन बड़े कलाकार एक साथ किसी एड में साथ नजर आए हैं। आपको बता दें, इससे पहले अजय देवगन पान मसाला ब्रांड के एड्स में दिखते नजर आए हैं, उसके बाद शाहरुख खान भी इस विज्ञापन में नजर आए थे। शाहरुख खान के इस विज्ञापन में भी आने पर इतना बवाल नहीं मचा था, लेकिन अक्षय कुमार के इस एड में आते ही लोगों से उनकी आलोचना करते हुए उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।